करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू इंदौर ने अपराध दर्ज किया है। इंदौर के विजयनगर में इस जमीन पर होटल में हिस्सेदारी देने के नाम पर किसान जगदीश पालीवाल के साथ धोखा कर फर्जी दस्तावेज से बेशकीमती जमीन अपने नाम करने वाले इंदौर के बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ तत्कालीन आईडिया के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह है आलिशान होटल वाव। यह होटल जिस जमीन पर बनाई गई है वह जमीन फर्जी दस्तावेजों से अपने नाम पर कर ली गई थी। इसी होटल हिस्सेदारी देने का वादा कर फरियादी किसान जगदीश पालीवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें तुलसीदास पिता तारा चंद्र मतलानी, गिरीश पिता श्री कृष्ण मतलानी, चांदनी पति गिरीश मतलानी और हीना बाधवानी सहित तत्कालीन आईडीए के अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि नीमच के रहने वाले किसान जगदीश पालीवाल सालों से अपनी जमीन पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। धोखाधड़ी करने वाले शहर के रसूखदार लोगों में शुमार है, इसलिए अब तक किसान जगदीश पालीवाल को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। अब जगदीश पालीवाल को इस एफआईआर के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। किसान जगदीश पालीवाल का कहना है कि अभी भी उन्हें डर है कि कहीं वह न्याय से वंचित ना रहे, इसलिए वह हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में पूरी जांच कराना चाहते हैं। जगदीश प्रसाद पालीवाल नामक व्यक्ति की शिकायत पर जांच की गई थी और जांच में जो शिकायत थी वो आईडीए द्वारा अलाट भूखंड की लीज डीड गलत तरीके से ट्रांसफ़र करने की शिकायत थी। उस पर जांच की गई, जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया अपराध होना सिद्ध पाया है, जिस पर से अपराध 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड विधान एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और अब इसमें विस्तृत जांच की जाएगी। आईडीए के कुछ अधिकारियों की भी भूमिका के संबंध में जांच होना है जो लीज डीड के ट्रांसफ़र से जुड़े हुए रहे हैं। इस संपूर्ण विस्तृत जांच के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली ये मामला लीज डीज के ट्रांसफ़र को लेकर है, जिसमें कि मूल आवंटिति जो शिकायत करता है वह है उसके नाम से ट्रांसफ़र होना चाहिए था, जो कि उसके नाम से सीधे ट्रांसफ़र ना कर जेपी एंड कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र किया गया है। इस विषय पर विस्तृत जांच होना है। मैं आनंद यादव, उप पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इंदौर इकाई। पिछले विगत 3 सालों से मैं प्रयासरत था कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, किंतु ये पूंजीपति लोगों की और प्रशासकीय अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण 3 साल से मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। किंतु अब कांग्रेस के शासन में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुझे ईओडब्ल्यू के द्वारा जो मेरे पक्ष में मेरी सुनवाई की गई उससे मुझे बड़ी आशा बंधी है और मुझे लगा कि मेरे साथ न्याय होने की संभावना है। किस तरह से गड़बड़ हुई थी आपके? मैं मतलब इंदौर से 350 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश का रहने वाला एक सीधा सच्चा किसान हूँ। मैंने अपने जीवन की समस्त एकत्रित पूंजी से एक अपने परिवार के लिए ख्वाब देखा था कि मैं एक होटल का निर्माण करूँगा जिससे मेरे बच्चों का भविष्य सुखद और सुरक्षित रहेगा। किंतु चूंकि मैं इंदौर से 300 किलोमीटर दूर 350 किलोमीटर दूर का रहने वाला था और बार बार आना संभव नहीं हो पाता था, उस वक्त आवागमन के साधन भी सीमित थे। अतः मैंने अपने एक परिचित तुलसीदास मनमानी के और यहाँ के प्लाट से संबंधित सभी कार्य करने के लिए आम मुख्तियार नियुक्त किया था। मेरी तरफ से मेरे लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया था और चूंकि मैंने ये इंदौर विकास प्राधिकरण की निविदा में भी स्पष्ट था कि इस भूखंड को केवल आवंटित व्यक्ति के नाम पर ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है और जब तक इस पर भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसे खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता। अतः मैं पूर्णतः विश्वास में था कि भाई मेरा प्लाट तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता ना, भाई मेरा प्लाट मेरे नाम पर रहेगा, बिल्डिंग रेशों में बनना है वो बन रही है, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इसकी लिखा पढ़ी हो जाएगी और विधिवत काम हो जाएगा सब। चूंकि आईडिया की शर्त ऐसी थी कि जब तक इस पर भवन निर्माण नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई किसी प्रकार की वैधानिक
ये लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती थी। अतः हम इस उम्मीद में बैठे थे कि जब होटल कम का निर्माण पूरा होगा उसके बाद लिखा पढ़ी हो जाएगी, किंतु इन पूंजीपतियों ने अपने षड्यंत्र पूर्वक जालसाजी करते हुए तमाम गलत पेपरों को पेपर प्रस्तुत करके मेरे नाम का भूखंड जेपी एंड कंपनी फर्जी कंपनी बनाकर उसके नाम पर लीज करवा दी और लीज करवा दी। उसका जो अनुभव प्रशासकीय कार्यालयों का रहा उससे मेरा प्रशासकीय कार्यालयों पे से एक तरह से विश्वास उठ गया। अतः अब मैं चाहता हूँ कि ये हाई कोर्ट इसकी निगरानी करे और उसकी देखरेख में इसकी सुनवाई हो ताकि भविष्य में मेरे साथ किसी प्रकार का और किसी प्रकार का धोखा नहीं हो पाए। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन अधिकारियों के बिलवस्ते सब, नगर निगम आईडी क्या? इसमें इंदौर विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी, तात्कालीन जो भी कर्मचारी रहे वो इन्होंने पूरा, चूंकि टोटल रिकॉर्ड इंदौर विकास प्राधिकरण, मुझे कोई सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है, इंदौर विकास प्राधिकरण में ही समस्त सबूत मौजूद हैं जिनके द्वारा इनका अपराध सिद्ध हो रहा है, उसके बावजूद भी 3 साल तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। निगम भी इसमें शामिल है? नगर निगम में भी मैंने अपने मतलब 2016 में एक आवेदन दिया था कि मैंने इसकी पुलिस विभाग पुलिस थाने में और DIG को शिकायत करी है, मैं सबूतों के शिकायत करी है और इसके ऊपर जब तक मुझे नहीं सुना जाए ये प्लाट मेरे नाम आवंटित है, नगर निगम में भी जगदीश प्रसाद पालीवाल के नाम पे ही प्लाट है, उसके बावजूद मुझे बिना सुने उन्होंने, मैंने आवेदन दिया था कि मुझे बिना सुने इसमें प्रमाण पत्र पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे, पर उन्होंने पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया और मेरे द्वारा दिया गया आवेदन उनकी फाइल में से मैंने दोबारा फाइल का अवलोकन किया तो मैंने पाया कि मेरा दिया हुआ आवेदन ही फाइल में मौजूद नहीं है। KNN न्यूज़ इंदौर से जय सिमरिया की खबर।